जाति में राइटिंग में मत जाना यार, तथा मैं जाति वाति पे जाता नहीं हूँ, तुम देखो जानबूझ के ऊंची नीच फैला रहे हो, कैसे लोग हो यार। हाँ, जाति पे जाना नहीं चाहिए, जाति तथा वर्ग, समझ आया? सोचो ना कि ऊंची नीच करो, लेकिन तुम करवा दो भैया, जाति गलत है। अच्छा सुनो, हाँ दो पूछ लेना आप, बोलो। हाँ बोलो आप। वेद, प्रभेद, ये भाई ये शब्द है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में बोले गए ये पता लगाओ ना, लाइन बोलो ना पूरी। हाँ तो ऐसा करना, ये बाद में पूछ लेना, उसके अंडर करके ऐसे करके उंगली रख के बैठो, ठीक है? अभी ये पढ़ते हैं, सुनो। बंधुत्व जाति तथा वर्ग, आरंभिक आरंभिक समाज, इसमें आरंभिक समाज क्यों लिखा है? देख तुक्का कितना बढ़िया मारा है, वैसे तू इसका और आगे बता नहीं पाएगी, लेकिन सही है तब भी। हाँ तो बताना आरंभिक क्यों लिखा है फिर? वो आरंभिक काल है, उससे पहले हड़प्पा वाले का मर गए, हड़प्पा भी तो था, उससे पहले वैदिक काल भी तो था, कहाँ गए? हाँ अरे महाभारत, इसका बोलने का मतलब ये है जो समाज का सिस्टम है ना उसको आरंभ मानने, समझ आ रहा है? क्यों, वहीं से कुरीतियाँ, आडंबर, दूसरे ऊंच नीच, दुनिया भर के ड्रामे, महात्मा बुद्ध, जैन, संत लोग, दुनिया भर की चीज़ें यहाँ से ही है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर छठी शताब्दी को परिवर्तन का काल माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ हुआ है। पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था, सेकेंड चैप्टर में आप लोगों ने, इसके अंदर महाजनपद भी तो बने थे, समझ आ रहा है? है तो परिवर्तन का काल है, ठीक है? अच्छा सुनो, ध्यान से सुनना। समकालीन समाज को समझने के लिए इतिहासकार प्राय साहित्यिक परंपराओं व अभिलेखों का उपयोग करते हैं। जो समकालीन इतिहास है ना, समकालीन समाज है, उसको समझने के लिए क्या करते हैं जो इतिहासकार है, पुराना समाज था उसको हम कैसे समझेंगे बताओ? हमारे को हाँ परंपराओं से हमें क्या पता लगेगा, हमें पता कैसे लगेगा? देखो जो हमें एविडेंस मिलता है उससे ही पता लगता है ना, हमें कुछ लिखा हुआ मिला है सबूत में तो उसी से पता लग रहा है, हमें कोई वहां से हड़प्पा से वीडियो कॉल नहीं कर रहा है, समझ आया? कि कोई व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहा है, ये देखो हम यहाँ पे खड़े हैं, समझ आ रहा है? ये आज मैंने शादी में ये साड़ी पहनी है, देखो समझ आ रहा है? आज मैंने ये शादी में एक बार हाँ बताओ, अच्छी लग रही है गंदी? तू बहुत गंदी है। हाँ बोलो बोलो। पाकिस्तान में हड़प्पा के बारे में कौन बोल रहा है, नहीं बताते? भैया कह रहे थे। कौन से भैया बोल रहे थे, क्या बता रहे थे? कि वहाँ से जो हिस्ट्री है ना, वो वहाँ से स्टार्ट है, मुगलों से स्टार्ट है। मेरी बात सुनो, वो पता है जो बताना चाह रहा है वो कॉन्टेक्स्ट अलग है, मतलब वो धारणा अलग है, वो कुछ और बताना चाह रहा है। मेरी बात सुनो, सब बताया जाता है, उसका बताने का मतलब अलग होगा, वो चैप्टर से रिलेटेड करके बता रहा होगा तुम्हें, ठीक है? कि तुम ज़्यादा पथभ्रष्ट ना जाओ, दूसरी चीज़ में ना चले जाओ, ठीक है? हर जगह बताया जाता है, हड़प्पा में घूमने की जगह है वो, वहाँ पे जैसे यहाँ पे लाल किला जाते हो ना, पुराना किला है हुमायूं का मकबरा, वैसे हड़प्पा के स्थल है वहाँ पे, भारत से ज़्यादा वहाँ पे, समझ आ रहा है? बस ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम किताब में उन्हें अच्छे से पढ़ाते हो, उतना गौर नहीं किया जाता, समझ आ रहा है? हाँ उनके यहाँ नहीं किया जाए, उनके यहाँ खाने के लाले हैं, उनके अपने घर में किवाड़ नहीं है, तो वो बंदे किसी भी घूमने की जगह को नहीं है। ऐसा नहीं है, मतलब बहुत सारी जगहों पे नहीं, उनके यार बहुत ज़्यादा जगह है ना, उनके यहाँ बहुत सारे हड़प्पा के स्थल है, तो वो इतना उस पर गौर भी नहीं करते, उनकी सरकार जनता की फुल नीड ही फुलफिल नहीं कर पा रही है, सड़क और पानी जैसी सुविधाएं नहीं दे पा रही है, तो वो उन चीज़ों को क्या कर पाएगी, समझ आ रहा है? सरकार के पास जब ज़्यादा फंड होगा तभी तो जाके वो हड़प्पा को भी सही करेगी कि नहीं यहाँ पे भी काम करे, अब वो मेन काम कर नहीं पा रही है तो वो काम क्या करेगी, समझ आ रहा है? ठीक सुनो, एक चीज है ना बोली जाती है ना, तो उसको पत्थर की लकीर मत समझा करो, समझ आ रहा है? नहीं मैंने पूछा था। गुड गर्ल गुड गर्ल। अच्छा तूने ही पूछा था गुड गर्ल? उसने पूछा, मैंने क्या पूछा? बैड गर्ल। अरे यार मैं भी नहीं था ना भैया, मैंने ये पूछा था भैया से कि भैया सुनो तो उसके बाद मैंने पढ़ाया था। भैया सुनो तो मैंने भैया से ये पूछा था कि पाकिस्तान में इंडिया के बारे में पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते, ये पूछा। इंडिया के बारे में पढ़ाते हैं, हमारे कॉन्टेक्स्ट को रखते हैं दुश्मन, जैसे हमारे यहाँ पे काफी जगह का पढ़ाते हैं, काफी हमारे यहाँ पे हर जगह का पढ़ाते हैं, वैसे उनके वो पढ़ाते हैं ये पढ़ाते हैं ये कुछ।
देखो पता है वर्ल्ड की है ना एक राजनीति है जिसे क्या बोलते हैं जियोपॉलिटिक्स, और क्या होता है हर देश ना अपने आप को अच्छा दिखाता है। तुम सुनते हो पाकिस्तान ने किया हमला, चाइना ने किया, क्या हम कुछ नहीं करते होंगे क्या, कि हम सबसे साधु हैं और सब बेवकूफ हैं आके करते होंगे। जब हम उनके यहाँ लिखा जाता है ना इतिहास, न्यूज चलती है, तो वो क्या करते हैं इंडिया ने किया हमला, समझ आ रहा है? तुम पढ़ रहे हो कि पाकिस्तान कमीना है, वहां लिखा जा रहा है इंडिया कमीना है, समझ आ रहा है? हर देश अपनी बढ़ाई करता है, समझ आ रहा है? और हर हमें हम अपने देश में तो अपने देश की बढ़ाई करनी ही पड़ेगी यार, ये मजबूरी भी समझ लो। क्या हो गया, इतना टाइम लगा रहा है क्या आने में, तुम देख रहे हो उसको राजा वाजा है? सुनो, तो समकालीन समाज को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके एविडेंस पढ़ने पड़ते हैं। जो पुराने समय पे, मेरी तरफ देख लो, पुराने समय पे जो चीजें मिलती हैं उनको पढ़ते हैं, उनको जानते हैं, तो हमें पुराने समय के बारे में पता लगता है, समझ आ रहा है? जैसे कि ग्रंथ वगैरह हो गए, उपनिषद हो गए, वेद हो गए, पुराण हो गए, ये सारी चीजें पढ़ते हैं तो हमें पुरानी चीजों के बारे में पता लगता है, समझ आ रहा है? अब जैसे कि अभी अभी लड़ाइयां चलती है, मनुस्मृति का नाम सुना है? मनुस्मृति क्या है? जुबा केसरी। मनुस्मृति क्या है? सुनो, मनुस्मृति एक ग्रंथ है जिसको है ना, जो क्या है, मनु द्वारा लिखी गई है। मनु कौन है? बहुत बड़े ऋषि थे, उनके द्वारा लिखी गई थी, और वो कई हजार साल पहले का इतिहास है। वो जैसे आज संविधान है ना, वैसे ही मनुस्मृति लिखी गई थी, समझ आ रहा है? मनुस्मृति में कुछ बातें गलत भी थी और कुछ बातें सही भी थी। तो क्या हुआ, मनुस्मृति को जला दिया गया। किसके द्वारा जला दिया गया? अंबेडकर जी द्वारा, समझ आ रहा है? क्योंकि अंबेडकर जी ने मनुस्मृति को गलत समझा, इसलिए जला दिया गया। मैं उस बात पे नहीं जाऊंगा कि क्या गलत किया क्या सही किया, मैं आज के कॉन्टेक्स्ट में बताने चाहूंगा। अंबेडकर जी बहुत बड़े आदमी है, मैं उनसे लड़ना नहीं चाहता, ठीक है? मैं आज के कॉन्टेक्स्ट में बताना चाहूंगा कि मनुस्मृति एक बुक थी, वो क्या था कि समय समय पर ना लोग अपने नियम कानून बनाते थे। तो जो मनु थे ना, वो पुराने समय के संविधान निर्माता है, एक समय के। ये सोचो सबसे पुराना अगर बोलोगे ना, सबसे पहले संविधान किसने बनाया, तो मनु ने बनाया। जैसे सबसे पहले जी डॉक्टर पता है किसको बोलते हैं? चरक को बोलते हैं। चरक सुना है? चरक एक बहुत बड़े ऋषि थे, और उन्होंने एक बुक लिखी थी, समझ आ रहा है? उन्होंने एक बुक लिखी थी, उसका नाम क्या है यार, अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन चरक याद रखना। सबसे पहले सर्जरी, सर्जरी समझते हो, शल्य चिकित्सा, दिल फाड़ के दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करना, सिलाई विलाई करना फाड़ फूड़ के, ये है चीरा फाड़ा करना, और सर्जरी करने वाले सर्जरियन कहते हैं डॉक्टरों को, समझ आ रहा है? तो उस समय पे चरक थे हजारों साल पहले, और हमारे यहाँ बोला जाता है हम गवार है, हमारे यहाँ बुक लिख दी थी चरक ने, और वही पता है उन चरक की बड़ी बड़ी प्रतिमा बना के लग रखी है, जो बाहर के जैसे इंग्लैंड और फ्रांस के बड़े बड़े वो है ना कॉलेज, वहाँ पे उनकी फोटो वो लगा रखी है मूर्ति चरक की, ऐसे बिल्कुल बाबा की तरह, जैसे हमारे ऋषि होते हैं ना वैसे बना रखी है। हमारे कॉलेजों में नहीं दिखेगी तुम्हें, हम जोसेफ फर्नांडिस की फोटो लगाते हैं, पता नहीं कौन कौन है, वो लोग हमारी लगा रहे हैं और हम उनकी लगा रहे हैं, बताओ कितने। जैसे तुम दूसरों की वीडियो देख के खुश होते हो ना, वैसे हमारे यहाँ के हम तो अपने यहाँ की वीडियो देख के खुश होते हैं, अपने यहाँ के लोगों को देख के खुश होते हैं। पता है देवी, इतना झूठ मत बोलो, भ्रष्ट मत करो हमें। अरे ठीक है, चलो ठीक है, तुम होते हो ना, मेरा बोलने का मतलब समझ गए, किसी को आपत्ति तो नहीं है? अगर मेरे से लड़ने की बजाय अगर दिल पे हाथ रख के बोलो तो मैं सच बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ कि हम लोग अपने यहाँ की हम पढ़ाई क्या कर रहे हैं, अंग्रेजी में कर रहे हैं ना। अंग्रेज आए थे, लॉर्ड मकैले नाम का बंदा आया था, कौन आया था? मकैले आया था, चेला मकैले बोलो उसको, चेला मकैले कौन आया था? ये जो तुम ये पढ़ाई कर रहे हो ना, ये जो पढ़ाइयाँ कर रहे हो तुम, ये उसकी देन है मकैले की। उसने ही बताया था ऐसे पढ़ाई होगी, ऐसे स्कूल खुलेंगे। उससे पहले हमारे गुरुकुल होते थे, पता है हम ऐसे स्कूलों की चार दीवारी के बंद तारों के बीच में बंदों के नहीं बैठते थे। अब देखा है स्कूल जेल की तरह नहीं लगते तुम्हें? तार वार लगा रखे हैं पूरा, जिसको यहाँ जानवर रहते हैं क्या? तुम खुद एक चीज सोच के देखो, स्कूल तो शिक्षा का मंदिर है ना, उसको तुम तारों से बंद करके क्यों रखते हो यार? इतने बड़े बड़े गेट, मतलब सब कुछ, इसके अंदर क्या भेड़िया पड़ते हैं क्या कि भाग जाएंगे अचानक से? तो भैया बच्चे भी तो शैतान हैं। तो यही तो सोचो क्या, अब बच्चे शैतान कैसे बनते हैं? ऐसे टीचर हमारे सिस्टम का ही तो कंट्रोल नहीं है ना, सिस्टम का कंट्रोल हो तो शेर को भी चाबुक के दम पे सीधा कर देते हैं, देखा है ना?
शेर को भी चाबुक के दम पे सीधा करके बैठाते हैं ना सर्कस में, तो यही बात बता रहा हूँ मैं। ठीक सुनो, तो मैंने मनुस्मृति के बारे में बता रहा था। तो मनुस्मृति में ना कई सारी बातें लिखी हैं, तो उसके अंदर संस्कृत में लिखी हुई हैं चीज़ें, समझ आ रहा है? तो उसके अंदर कुछ है ना चीज़ें गलत निकली ना लोगों ने, तो उसको जला दिया। और मनुस्मृति को बोला जाता है जाति व्यवस्था को बनाने वाली। मनुस्मृति में चार वर्णों के बारे में बता रखा है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो अंबेडकर जी ने उसे जला इसीलिए दिया था क्योंकि अंबेडकर जी को लगा कि इसके अंदर जाति व्यवस्था के बारे में बता रखा है। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहूँ, बुरा मत मानना, अंबेडकर जी को ने कभी वो बुक पढ़ी नहीं है, क्योंकि वो बुक किस में लिखी थी? संस्कृत में। और अंबेडकर जी को आती थी अंग्रेजी, अंग्रेजी। हाँ, तो अंबेडकर जी ने पढ़ा क्या? ये जो लॉर्ड मकैले थे ना, इन्होंने मनुस्मृति को अपनी भाषा में लिखा था, अंग्रेजी में। तो अंबेडकर जी ने वो बुक पढ़ी थी। तो तुम्हें लगता नहीं है कुछ अंतर करा होगा? अरे मैं ये मानता हूँ, चलो कुछ अंतर किया होगा, कुछ तो अंतर किया होगा। 100 में से एक अंतर भी किया, एक अंतर भी बहुत बड़ा होता है। इसमें लिखा है शुभम मिश्रा के पापा का नाम विनोद कुमार मिश्रा है, किसी और ने लिख दिया बेटे का नाम है विनोद कुमार मिश्रा। सब कुछ बदल गया भाई, सब कुछ बदल गया ना, दिक्कत नहीं हो जाएगी? इस चाय को तुम जहर साबित कर दोगे एक मिनट में, एक शब्द में। सुनो, यदि इन ग्रंथों का प्रयोग सावधानी से किया जाए तो समाज में प्रचलित, ये देखो लाइन, यही लाइन है, यदि इन ग्रंथों का सावधानी से प्रयोग किया जाए तो समाज में आचार व्यवहार और रिवाजों का इतिहास लिखा जा सकता है। बिल्कुल सही। अगर ये जो पुराने ग्रंथ है ना, इनकी मीनिंग सही से निकाली जाए और इनको अच्छे से लिखा जाए, तो आज उन ग्रंथों से अच्छी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। पुराने ग्रंथ है उनको है ना गलत गलत लिख दिया तुमने। पुराने ग्रंथ में लिखा है कि स्त्रियों को ना वो क्या करना चाहिए, निर्धारित करना चाहिए, सही तरीके से रखना चाहिए, स्त्रियों को, बच्चों को और गरीबों को सही तरीके से रखा जाना चाहिए। अब इसका मतलब तुम दो मतलब निकाल सकते हो, क्या मतलब निकाल सकते हो बताओ? सही तरीके से उन्हें अच्छी व्यवस्था देके, और एक तरीके से उन्हें इंडिपेंडेंट वर्क हो गया ना, डिपेंडेंट ना रहे किसी और के ऊपर कि हाँ तू हमें रखेगी क्या। राज है, सुनो, यही आज के समाज की सबसे बड़ी कुरीति है, पता है? रामचरितमानस का नाम सुना है? है रामचरितमानस, रामायण का नाम सुना है? रामचरितमानस का, गोस्वामी तुलसीदास का नाम सुना है? क्या लिखा है उन्होंने? तुलसीदास, रामचरितमानस। और महर्षि वाल्मीकि ने क्या लिखा है? है पता कर लेना, सुनो। हाँ, वाल्मीकि रामायण, ठीक है। सुनो, देखो मेरी तरफ इधर देखो, जब भी है ना कोई चीज़ इतिहास लिखा जाता है ना, मान लो कोई चीज़ लिखी है ना बुक में, कोई चीज़ लिखी है, ये बुक है ठीक है, इसमें कोई चीज़ लिखी है, अब आगे के कॉन्टेक्स में उन लोगों को ज़्यादा को पता नहीं है, तो कुछ लोग है ना उसको क्या कर सकते हैं, एक तो क्या कर सकते हैं पॉजिटिव साइड बना सकते हैं, और एक क्या कर सकते हैं नेगेटिव साइड बना सकते हैं। जैसे कि रामचरित मानस में एक है ना कोट लिखा हुआ है, लाइन लिखी हुई है, क्या लाइन लिखी हुई है? शूद्र शूद्र क्या नाम है, शूद्र गवार ढोल पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये लाइन है, सुनो, शूद्र गवार ढोल पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसका मतलब में ही तो दिक्कत है, हमारे देश में लड़ाई तो इसी बात की है कि मतलब नहीं पता है किसी को। कुछ लोग इसका मतलब बता रहे हैं, जैसे कुछ लोग जिनको रामचरित मानस पे ही भरोसा नहीं है, राम जी पे ही भरोसा नहीं है, वो लोग क्या बता रहे हैं? शूद्र गवार ढोल पशु नारी, ठीक है, शूद्रो ढोलो पशुओ और नारियो है ना, सकल ताड़ना के अधिकारी, मतलब प्रताड़ना। देखा एक मिनट में इसने क्या बना दिया, ये अभी बैठी हुई है ना, मैं गलत नहीं बता रहा किसी को, एक तरीके से सोच के देखो, तुम किसी चीज़ को जानो ही मत, लेकिन एकदम से तुम कितना गलत कर सकते हो ना। इतनी बड़ी रामचरितमानस जो करोड़ों हिंदुओं का एक धार्मिक ग्रंथ है, तुम उसके ऊपर तमाचा मार दोगे एक मिनट के अंदर, एक सेकंड के अंदर ना, समझ आ रहा है? और उसका पॉजिटिव साइड भी देख सकते हो, नेगेटिव साइड जो आज के ज़माने में देखा जा रहा है ना, जो अधिकतर इसको मानते नहीं है, जो अधिकतर इसको नहीं मानते वो कौन है? बौद्ध धर्म वाले, भीम आर्मी वाले। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मैं बता रहा हूँ क्या चीज़ें हैं, मैं चीज़ें रख रहा हूँ तुम्हें समझने के लिए। भीम आर्मी वाले, ठीक है, और बौद्ध धर्म वाले, जैन वाले और मुसलमान, ये सारे इस लाइन को पकड़ते हैं और क्या बताते हैं? पता, ताड़ना का मतलब होता है मारना, है ना? तो ये क्या बता रहे कि लाइन क्या लिखी है कि शूद्र गवार है और ढोल है और नारी है, इनको क्या करना है? पीटना है।
सोचो, कोई ये लाइन लिखेगा तो ये लाइन लिख सकता है क्या? तुम अपने दिमाग से सोचो, इतनी बड़ी बुक रामचरितमानस, जिसके अंदर राम जी को इतना अच्छा अच्छा बता रखा है, उसके अंदर एक लाइन कोई डालेगा कि शूद्र को, ढोल को और नारी को पीटो? सोचो, ये लाइन कोई डालेगा? ये लोग बोल रहे हैं कि ये लाइन डाल रखी है, ठीक है? जिन्होंने कभी संस्कृत नहीं पढ़ी वो बोल रहे हैं, ठीक है? और जिन्होंने संस्कृत पढ़ी है वो क्या बोल रहे हैं? और कुछ संस्कृत वालों की भी गलती है, क्योंकि वो ना इसकी प्रोनंसिएशन ढंग से नहीं कर पाते। जब तुम खुद का बचाव नहीं कर पाओगे ना, जैसे कोर्ट में भी होता है, अगर तुम बेगुनाह हो तो खुद को साबित करो, समझ आ रहा है? नहीं तो तुम गुनहगार बन जाओगे अपने आप ही, समझ आ रहा है? तो कोई कोई है ना इसका अच्छे से प्रोनंसिएशन नहीं कर पाता, बता नहीं पाता ये क्या है। तो कोई जो बताता है ना, जैसे पॉजिटिव साइड बता रहे, नेगेटिव तो पता लग गया, पॉजिटिव वाले क्या बता रहे कि ये जो चीज़ें हैं ना, जैसे शूद्र और नारी और ढोल के बारे में बता रहे, ये बता रहे हैं कि इन सारी चीज़ों को ना एक है ना लाइन पे लगाना है। लाइन पे लगाने का मतलब, लाइन पे लगाने का मतलब है जो हमारे समाज में कुरीतियां है ना, उनसे ये लोग बिगड़ ना पाए, इसलिए हमें इनको पाथ देना है। पाथ देने का मतलब पता है क्या? पाथ देने का मतलब ये पाथ देना नहीं, या गोबर पाथ देना। पाथ देने का मतलब, पाथ का मतलब होता है रास्ता, PATH, पाथ, रास्ता, समझ आ रहा है? ये जो मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ किस लिए दे रहा हूँ? कि अच्छे रास्ते पे निकलो ना, समझ आ रहा है? ठीक, चीज को समझने के ऊपर होता है, क्या तुम समझ रहे हो, समझ आ रहा है? हो सकता है ये लाइन, ये भी हो सकता है कारण, है ना, ये हो सकती है, ये बात हो सके, लेकिन मेरे को तो नहीं लगता इतनी बड़ी बुक में एक जगह आके सब राम जी के मुंह पे और पूरी रामायण के मुंह पे चाटा मार देगी। मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी इतनी बड़ी बुक लिखते हैं, इतनी मोटी, और वो एक लाइन की वजह से अपनी बेइज्जती करवा लेंगे? पूरी की पूरी बुक में सीता जी का सम्मान, उनकी माँ का सम्मान, सबका सम्मान किया है, और एक जगह आके पूरी की पूरी भड़ासना उतार देंगे, क्या फायदा इसका? ये सोचने की बात है ना। और विरोध करने वाले लोग वो हैं जिनको संस्कृत नहीं आती, तब ज्यादा दुख होता है। तो यही तो दिक्कत है ना हमारे देश में, दिक्कत तो ये है ना, तुम अपना बचाव भी करते हो ना, तो अब तुम्हारे पे बचाव के लिए एविडेंस नहीं है, दिक्कत यहाँ आ जाती है। तो ये सोचने की जरूरत है। तो यहीं से क्या होता है, जो इतिहास है ना वहाँ से खराब हो जाता है। इस चैप्टर में जो यही बताया जा रहा है कि जो पुरानी चीज़ें हैं ना, उनके पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होते हैं, तुम्हारे बताने के ऊपर है तुम क्या बताना चाहो, समझ आ रहा है? ठीक, हर चीज़ के तुम्हारे हाथ में है ना, तुम आने वाले समाज को क्या देना चाहते हो यार? अगर मान लो किसी चीज़ में गलत चीज़ भी लिखी है, तो क्या तुम आने वाले समाज में और चीज लोगों को बांटोगे? तुम्हें अच्छा बनाना चाहिए ना, समाज को अच्छी बातें बतानी चाहिए ना, तो तुम गंदगी फैलाओगे समाज में? नहीं ना, हमारा तो दायित्व ये बनता है ना, हम समाज में क्यों हैं? समाज को गंदा करने के लिए? गंदा तो पहले से, हमारा योगदान क्या है? समाज को सही करना, समझ आ रहा है? इसमें लाइन लिखी हुई है भाई, समझ आ रहा है? उपमहाद्वीप के सबसे बड़े समृद्ध ग्रंथों में से एक महाभारत जैसे विशाल महाकाव्य, महाकाव्य है महाभारत, क्या है महाकाव्य? महाकाव्य का मतलब बहुत बड़ा है यार, उसके अंदर देखा महाभारत कितना लंबा बनाया गया, उसके ऊपर तो एपिसोड भी बनना, क्या सोचो, समझ आ रहा है? रामायण और महाभारत ये बड़े बड़े महाकाव्य हैं, इसके अलावा बहुत सारे महाकाव्य हैं, तुम्हें पता है? जैसे रामायण सुनी है ना तुमने, महाभारत सुनी है, इसके अलावा कुछ और सुना है? सुना है, बताइयो क्या सुना है? रामायण बोलूंगा तो तुरंत बता देगी, हाँ सुग्रीव भी था, जटायु भी था, फलाना भी था, ढिकाना भी था, पूरी कहानी सुना देगी, औरत को किडनैप करा, ये हुआ, ये वो हुआ, ये तो सब पता है ना, लेकिन किसी और महाकाव्य की कहानी सुना दो, पता हो तो तुम्हें बता दो, किसी एक की भी सुना दो, क्या है बता? बस कई सारे रूप, शादी हो गई, सुनो मेरी बात। तो ऐसे कई सारे काव्य है, लेकिन वो काव्य बड़े नहीं है, जितने बड़े कौन है? रामायण या महाभारत। तो इसीलिए रामायण और महाभारत फेमस है, इसको महाकाव्य बोला जाता है, महाकाव्य, समझ आया? जैसे महान क्या बहुत सारे हैं, भगवद गीता, क्या है भगवद गीता? भगवद गीता भी है, लेकिन भगवद गीता पता है क्या है? संवाद है, कृष्ण जी और अर्जुन के बीच के संवाद है वो, समझ आ रहा है? क्या बात है, तभी इतनी शुद्ध हो गई है तू, स्टार्टिंग के पन्ने पड़े कितने पड़े ये बोल, माँ देखी थी बस, बस ये देखा था अक्षर क्या लिखा है भाई, बता क्या पढ़ा था फिर? मुझे ये नहीं समझ आ रहा इंडिया में कर क्या रहे, इंडिया में निशान है ना, गोबर है, एजुकेशन सिस्टम भी गोबर है, पता नहीं क्या पढ़ते हैं 12 साल, उसके बाद कुछ नहीं आता किसी को, उसके बाद नौकरी ढूंढने के लिए भी स्ट्रगल होता है, ऐसा है इंडिया। तुम्हें लगता नहीं तुम गलत देश में पैदा हो रखे हो? है
12 साल पढ़ने के बाद कुछ लगता है तुम्हें कि कुछ उखाड़ा है हम लोगों ने? मैं जब 12वीं पास हुआ था ना, मेरे को भी ऐसा लगा, तो 12 साल पढ़ के क्या करा मैंने? 12 साल में अगर काम किया होता तो इतना पैसा कमा लेते, हकीकत बात है। अफगानिस्तान में तो मती होना दीदी, नहीं तो जलेबी भाई, दिक्कत अफगानिस्तान में मत होना, मेरे को भी दुख होगा अगर तुम अफगानिस्तान में हो गए तो, मेरे को भी बुरा लगेगा। बताओ फातिमा बेगम वहां तो यही होगा ना, वहां पे तुम मना कर लेगी, यहाँ के यहाँ से काट देंगे वो चक्कू से, जिंदा जिंदा काटेंगे, बेहोश भी नहीं करेंगे। किस तू सोचे तेरे को इंजेक्शन लगा के बेहोश करके काटेंगे? तो किस्मत की बात है भाई। सुनो, उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक महाभारत, महाभारत जैसे महाकाव्य के विश्लेषण के समय उसकी सामाजिक श्रेणियां और आचार व्यवहार के मानदंडों को जानने का प्रयास किया गया। महाभारत को जब हम पढ़ते हैं या महाभारत को जानते हैं तो हमें कई सारी चीज़ें पता लगती है। क्या पता लगता है? उसके समाज के बारे में पता लगता है, वहाँ लोगों की स्थिति के बारे में पता लगता है, वहाँ पर राजकाज के बारे में पता लगता है, समझ आ रहा है? तो महाभारत को हम तब एनालाइज करते हैं, ऐसे विश्लेषण करते हैं, कैसे कि वहाँ पर लोग कैसे थे, वहाँ पर जाति व्यवस्था कैसी थी, वहाँ पर धर्म कैसा था, वहाँ पे लोग कैसे थे, मतलब उसमें बातों में लोग कैसे थे, वहाँ पे शादी कैसे होती थी, पांच पतियों के साथ विवाह हो गया किसी का तो हमें पता लगा, बहुपति विवाह भी होता था, है ना? बहुपति विवाह के बारे में समझ रहे हो? बहुत सारे पति और बहुपत्नी क्या क्या मेरा ये खुशी की ललक दिख रही है तुम्हारे चेहरों में। सुनो, 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वी एस एस सुथांकर के नेतृत्व में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की शुरुआत की गई। इस परियोजना को पूरा करने में 47 वर्ष लगे। ओ माय गॉड, 1919 से लेकर 47 वर्ष जोड़ लेना, 1919 से 47 वर्ष कितना होता है? 9 साल 16 का 6 8 दिन लगा 1, कितना हो गया? 1966 में जाके क्या हुआ? महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण निकाला इन्होंने। समालोचनात्मक का मतलब क्या है? उसकी अच्छाई बुराई बताना, उसको ऊपर नीचे करके सब कुछ चीरा फाड़ कर देना उसका, समझ आ रहा? डीएनए कर देना उसका पूरा, समझ आ रहा है? समालोचनात्मक का मतलब क्या है? सम रूप से लोचना करनी है, ऐसा नहीं कि बुराई बुराई दिखाएंगे, अच्छाई भी दिखाएंगे बुराई भी दिखाएंगे, और बुराई और अच्छाई दिखाने के लिए बुराई अच्छाई नहीं दिखाएंगे, जो है सच्ची सच्ची सामने रख देंगे लोगों के, और लोग देख ले इसमें अच्छा बुरा क्या है, समझ आया? जैसे मीडिया का काम होना चाहिए क्या? न्यूज रखना सामने, अच्छाई बुराई दिखाना नहीं, न्यूज रख देना सामने, जनता देख लेगी अपने आप अच्छा बुरा क्या है, समझ आया? आज के जमाने में तो चाटम चाट कर रही है न्यूज है, उधर की बात ही नहीं करती। सुनो, महाभारत की मूल कथा के रचयिता संभवतः भाट सारथी थे। महाभारत किसने लिखा? भाट सारथी। भाट सारथी कौन है? ये कौन है जो रथ चलाते हैं कन्हैया का? भाट सारथी कौन है जो रथ चला रहे हैं, समझ आ रहा है? महाभारत के युद्ध में रथ चला रहा होता है एक आदमी, आगे बैठा होता है, उसको बोलते हैं भाट सारथी। हाँ, समझ आ रहा है? ऐसे ही समझ लो, वो तो कन्हैया है यार, पीछे अर्जुन है, जब कन्हैया पीछे बैठते हैं यार तब कोई चलाता है रथ, समझ आ रहा है? भाट सारथी, सारथी का मतलब ये होता है साथ देने वाला, सारथी किसी का नाम नहीं है, सारथी का क्या मतलब है? जैसे मैं तुम्हारा सारथी हूँ, तुम्हारी नैया पार लगवाने में ही मदद कर रहा हूँ ना, मेरे मतलब मैं ही तुम्हारा रथ खींच रहा हूँ ना, तो मैं सारथी हूँ तुम्हारा, समझ आया? क्या रिक्शे पे लिखा जाता है सारथी, बिल्कुल सही बोला इसने, क्या क्या चीज पे गौर दिलवाया इसने, रिक्शे पे क्या लिखा रहता है, इधर देख, रिक्शे पे क्या लिखा रहता है? सारथी। उसका मतलब क्या है? तुमको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाला, तुम्हारा साथ देने वाला। महाभारत की जो मूल कथा है ना, उसके रचयिता, उसको रचने वाला क्या है? संभवतः मतलब ज्यादा से ज्यादा हद से हद में कौन होगा? भाट, भाट सारथी। उनका नाम क्या है? भाट, समझ आ रहा है? ठीक है, सारथी मतलब जो रिक्शा उनका चला रहे थे, ठीक है, रिक्शा। हाँ भाई, बोला जा रहा है। इनके अलावा वेद व्यास का नाम भी आएगा तुम्हारा, ठीक है? ये जो वाल्मीकि जी थे, हाँ, वो समकालीन थे क्या रामायण के? बोला जाता है, बोला जाता है,
अब हमारे पास पूरे पूरे एविडेंस थोड़ी है, पता नहीं कितने हजार साल पहले की कहानी है। ठीक, बहुत सुंदर, अच्छा लग रहा है। हाँ, इधर देख लो, सुनो। जिन्हें सूत कहा जाता था, और उनका नाम क्या था? सूत। नाम आएगा क्या? सूत, भाट, सारथी, ऐसे समझे रहना। इनमें से कुछ भी आए, कैसे भी आए, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे तेरा मेरा उसका इसका, कैसे भी करके, तो ये इन्होंने क्या लिखी है? महाभारत। संभवता, संभवता मतलब लगभग इन्होंने लिखी होगी। इसके अलावा जिनका नाम आता है उनका साथ वेदव्यास नाम है, वेदव्यास है, पता नहीं क्या नाम है, आगे पढ़ने के लिए मिलेगा तुम्हें। ठीक है, समझ आ गया। सुनो, साहित्य परंपरा के अनुसार इस बृहत रचना के रचयिता ऋषि व्यास थे। हाँ देखो, अब अगले लाइन पर नाम क्या आ गया? व्यास। और व्यास का नाम क्या है? वेदव्यास। उसमें देखो, अच्छा अब किताब लेके बैठे हो तुम। सुनो, किताब है ना एनसीईआरटी, घर पे रीड करनी है, समझ आ रहा है? अभी जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरी तरफ देखना है, नहीं तो सपोर्ट मटेरियल में देखना, क्योंकि मेरे पास आया हो तो मेरे से समझने आए हो, समझ आया? उसमें नहीं मिलेगी लाइन इतनी जल्दी जल्दी, गूगल सर्च है क्या उसके अंदर? तेरी आके जाते ही ढूंढ लेगा। सुनो, तो महाभारत की मूल देखो, महाभारत की रचयिता का दो नाम है, एक तो या तो क्या नाम है, सूत भाट या सारथी। ठीक है, सूत नाम होगा उनका, या तो भाट सारथी नाम होगा, ये सूत अलग नाम है, भाट सारथी अलग नाम है। इन ये होगा या तो क्या होगा, व्यास नाम, वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास। कौन? कौन? महर्षि वेद व्यास। वाल्मीकि मत बोल देना, वो रामायण वाले। ठीक है, अब सुनो, धर्म सूत्र और धर्म शास्त्रों में चार वर्णों के लिए आदर्श जीविका। पहले तो चार वर्ण बताए गए हैं, कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, और हाँ सुनो मेरी बात, चार वर्ण बताए गए हैं। चार वर्ण का क्या मतलब है? चार केस बताए गए हैं, चार कास्ट बताई गई है। ठीक है, एक बताया गया है ब्राह्मण, एक बताया गया है क्षत्रिय, एक बताया गया है वैश्य। देखो, ब्राह्मण क्षत्रिय में कौन सी कास्ट है? क्षत्रिय। अरे जो राजा होते हैं, योद्धा, राजपूत। वैश्य और उसमें शूद्र। अब मैंने ऐसे लिखा है, एक बार ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या है? ये कर्म अनुसार है, ऐसे नहीं लिखना है। ये वो लिखते हैं जो सच में चाहते हैं, भेदभाव आज तक रहे। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? कैसे लिखना है? लाइन से लिखना है, कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है। आज भी जो ऊपर नीचे चाहते हैं वो हर कास्ट में है। समझ आ रहा है? पहले भी ये ऊपर नीचे थे ही नहीं, ये लोगों ने बनाया अपने फायदे के लिए। जो जिनको बोला जाता है ना नीची जाति के, और जिनको बोला जाता है ऊंची जाति के, इन दोनों का मिली भगत करके इन्होंने क्या करा है? लोगों को बांट दिया, और लोगों को बांटा जाता है हमेशा फायदे के लिए और राज करने के लिए। समझ आया? तो कोई नहीं है नीचे। सुनो, ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्य, शूद्रास। ठीक है, ये चीजें ना आगे पीछे, ना ऊपर नीचे। समझ आ रहा है? ठीक है, ये क्या करते थे? इनका काम था ज्ञान देना। समझ आ रहा है? ज्ञान दे, ज्ञान कोई भी दे सकता है। मैं ज्ञान दे रहा हूँ तो क्या मैं ऊंची जाति का हो गया क्या? तुम्हारे स्कूल में टीचर्स हर जाति के हैं ना, तो ये बात थी पहले भी, और इसको गलत तरीके से इंटरप्रिएट किया गया, बताया गया लोगों को कि ब्राह्मण क्या है? ऊंचे। समझ आ रहा है? ऐसा कुछ नहीं था। समझ आ रहा है? ये लोगों ने करा हजार सालों में, ये लोगों ने धीरे धीरे करके क्या करा? ऊंचा नीचा कर दिया। समझ आया? जब बना था ना, किस लिए बना था? कि जो शिक्षा देगा क्या होगा? वो ब्राह्मण होगा। समझ आया? जो क्या करेगा? जो सुरक्षा करेगा, रक्षा, जो रक्षा करेगा। एक्चुअली ये था, ये आज तक हम आपस में लड़ रहे हैं। जो क्षत्रिय थे उनका काम क्या था? रक्षा करने का, सुरक्षा करने का। वो रक्षा जो करता था वही क्षत्रिय होता था। मैं रक्षा कर रहा हूं तो मैं क्षत्रिय हूं, मेरी बीवी क्षत्रिय नहीं होगी। समझ में आया? ये था लॉजिक, लेकिन बाद में होने लग गया ऐसे ही, जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा। पहले ये भी नहीं था राजा का बेटा राजा, जो कैपेबल होगा वो राजा बनेगा, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? राजा का बेटा ही राजा बनने लग गया। ये जब बुराई आई ना समाज में, मैंने क्या बताया? अच्छाई बुराई, अच्छाई बुराई, अच्छाई बुराई, अच्छाई बुराई। समझ आया? तो समाज धीरे धीरे गलत होने लग गया। ठीक है, वैसे क्या करते थे? बेच पड़ना, क्या करना, गोपालन करना। ये क्या करते थे? ये क्या करते थे? बिजनेस का काम करते थे। क्या करते थे? ये बिजनेस करते थे, इन्हीं में साहूकार होते थे, बिजनेस करते थे पूरी तरीके से। समझ आ रहा है?
और जितने भी सेवा क्षेत्र में थे, कौन थे? शूद्रास थे, ठीक है, सेवा क्षेत्र में सारे वर्णों की सेवा करते, वर्णों की सेवा नहीं करते थे, ठीक है। ये मेरी बात सुन लो, ये बोलना भी गलत है। तू मैं ना किसी चीज को आज के जमाने में तो कोई मर जाए किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बोलने से भी फर्क समझा करो। जब हम किसी चीज को बोलते हैं ना, तो दो इंसानों को हमारे बोलने से भी फर्क पड़ता है कि इसने क्या बोला, हमें बुरा लगा, समझ आया? तो ये जो तुम बोल रहे हो ना, सेवा करते हैं, सेवा नहीं करते ऊपर वालों की, ये क्या करते हैं, समाज का व्यवस्था चलाने का काम करते हैं, समझ आया? जैसे आज के जमाने में एक दूध बेचने वाला, आज के जमाने में रिक्शा चलाने वाला, आज के जमाने में डॉक्टर, आज के जमाने में पुलिस, है ना, आज के जमाने में रेल चलाने वाला, सेवा ही तो कर रहे हैं, समझ आ रहा है? जो भी लोगों का सिस्टम जोड़ने में मदद करता है वो कौन होता था? शूद्र होते थे, ठीक है। और शूद्र का मतलब ऊंच नीच नहीं होता, ये तो आज के जमाने में जो सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं ना, और जो आज के जमाने में सरकार बनवा रही है, उनका उद्देश्य क्या है? ऊंच नीच बने रहे, इसलिए जो सर्टिफिकेट होता है ना उसके ऊपर लिखा जाता है नीचे जाति का, लिखा जाता है ये शूद्र है, ये इस जाति के, साफ साफ लिखा जाता है। क्यों लिख रहे हो भाई, क्यों लिख रहे हो? जब तुम्हें समानता ही लानी है तो तुम सर्टिफिकेट ही क्यों बना रहे हो? मतलब तुम सर्टिफिकेट बना रहे हो, भारत सरकार बना रही है और मोहर लगा रही है कि ये नीचे जाति के, साला तुम सर्टिफिकेट ही बना रहे हो, तुम पैदा होते ही कि ये नीचे जाति के। हमारे यहाँ ऊंच नीच को कम करने के लिए कौन काम कर रहा है? सरकार, सीधे सीधे, है ना। जब सरकार ही तुम्हें एक सर्टिफिकेट दे रही है तुम नीचे जाति के हो, तो साला तुम ऊंचा कैसे हो सकते हो, बराबर कैसे हो सकते हो? तुम खुद सोचो, ये ना जड़ जड़ में ही घुसी हुई है ये चीजें, ये लोगों को समझना पड़ेगा। ऊंच नीच दूर कैसे होगी? ऐसे दूर नहीं होने वाली ऊंच नीच, समझ आ रहा है? जब हम लोग खुद से काम करेंगे ना कि कोई ऊंचा नहीं है कोई नीचा नहीं है, तब ऊंच नीच खत्म होगी, समझ आ रहा है? ऐसे नहीं होने वाली, तुम सोचो कि सब कुछ चलता भी रहे और ऊंच नीच भी ना रहे, सुनो, समझ आया? तो ऐसी चीजें बनी थी शुरुआत में, क्या बना था? शुरुआत में सब कुछ अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो लोग थे ना, इन्होंने अपनी चीजों पर कब्जा कर लिया। राजा बोले हम किसी और को राजा नहीं बनने देंगे, ब्राह्मण बोले हम किसी और को क्या नहीं करने देंगे, पूजा पंडित और शिक्षा नहीं देने देंगे, इनके बेटे पूजा करवाने लग गए धीरे धीरे, समझ आया? ये एक दिन में नहीं हुआ, ये हजार सालों में परिवर्तन आया, समझ आ रहा है? जैसे 1947 में देश आजाद हुआ, छोड़ो उसको भी छोड़ो, जैसे एक समय अंग्रेज आए थे, समझ आ रहा है? एक समय अंग्रेज आए थे, अंग्रेज एक दिन में कब्जा कर गए थे हमारे ऊपर, अंग्रेजों को 100 साल लगे थे हम पे कब्जा करने पे। अंग्रेज एक समय क्या आए थे? चाय पत्ती बेचने, चाय पत्ती खरीदने, नील बेचने, समझ आया? हमारे यहाँ आते थे मसाला लेने, उनके यहाँ तो छौका भुजा भी नहीं बनता था अंग्रेजों के यहाँ, हकीकत में। एक बात बताऊँ तुम्हें, अंग्रेज पता है 1400 में हमारे आए, ठीक है, 1500 में हमारे हैं, वास्को डी गामा हमारे आए 1500 में, 1498 में। उससे पहले वो ना घूम फिर के आते थे, देखो ये इंडिया है ना, ये ईरान अरब की कंट्रीज, और ये अंग्रेजी देश है ना, यहाँ से आना पड़ता था इन्हीं रास्तों से, तो ये अफगानिस्तान वाले ईरान वाले इनको आने नहीं देते थे। उससे पहले क्या होता था, यही लोग आते थे हमारे यहाँ से, थोड़े बड़े मसाले खरीद के चले जाते थे, है ना, इनके यहाँ मसाले नहीं होते थे। सोचो इन सालों के यहाँ आज से 300 साल पहले छौका भुजा ही नहीं बनता होगा, अबे इनको मसाला ही हमारे यहाँ से मिला है, मिर्ची हमारे यहाँ से मिली है, इनको चाय पत्ती हमारे यहाँ से मिली है। तुम सोच सकते हो ये खाते क्या होंगे, साले क्या खाते होंगे? अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं, चिली फ्राइज, अच्छा चिली फ्राइज, साथ में हमारे यहाँ से तुम्हें मिर्ची मिली है, चिली मोमोज, वाह, हमारे यहाँ से तुम्हें पोटैटो मिला, हमारे यहाँ से चिली मिली है, अपने आप को नवाब बताते हो, वही उबले आलू। अंग्रेजों के वो नहीं देखा तुमने प्लेटे, उनके अंदर क्या होता है? वो अच्छी बात है, हम लोग इसीलिए तो इतनी बड़ी बड़ी तोड़ लेके घूमते हैं। अंग्रेजों के यहाँ देखते नहीं हो खाने में क्या था, प्लेट में पत्ते वत्ते काट के, है ना, नहीं डाइटिंग पे हूँ, है ना, देखा है, फॉक लेते हैं, एक्सक्यूज मी आई एम ऑन डाइटिंग, ठीक है। लेकिन अब अगर सीख गए हमारे यहाँ चिली पटेटो करते रहते हैं, एसिडिटी हो जाती है, तभी तो इनो बन गया, उससे पहले इनो कहाँ बना था, 14वीं शताब्दी में, समझ आ रहा है? तो एक बार क्यों अंग्रेज अगर तुम्हारे सर जी बोले ना इंग्लिश में, उनका बोला सर जी जिनकी इंग्लिश तुम बोल रहे हो ना 300 साल पहले उन्हें पता ही नहीं था मिर्ची नाम की भी चीज़ होती है, कसम से झंड हो जाएगी सर जी को बोल देना, क्या सर जी जाओ जाके पत्ते खाओ। सुनो, देखो
तो जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र थे उनको अलग अलग क्या थे, काम के अनुसार बांटते थे। किस हिसाब से बांटते थे? अगर तुम्हें आगे बताना है किसी को, या आगे पूछना है, या आगे तुम्हें डिस्कस करना है, लिखना है, तो क्या बताओगे? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जब बटे थे तो किन आधार पे बटे थे? अपने कर्म के आधार पे, ना कि ऊंच नीच के आधार पे। वो किस आधार पे, कोई ब्राह्मण किस आधार पे होता था? क्योंकि वो शिक्षा दे रहा है। आज के जमाने में जो शिक्षा दे रहा है उसको टीचर बोलेंगे ना? मेरे को टीचर कोई क्यों बोलेगा? मैं पढ़ा रहा हूं इसीलिए तो कि मेरी जाति है टीचर। बताओ, आज के जमाना भी तो वैसा ही है ना। आज के जमाने में मेरी तरफ देखो, देखो अभी पता है बहुत कंफ्यूजन है लोगों को, लोग है ना बहुत अंधेरे में, इसीलिए दुश्मनी कर रहे हैं एक दूसरे से। ब्राह्मण शूद्र से दुश्मनी कर रहा है, शूद्र ब्राह्मण से दुश्मनी कर रहा है, वो बोल रहा है तू नीचा है, वो बोल रहा है तू ऊंचा है। क्यों क्यों पता है? किसी को ज्ञान ही नहीं है कि हम सब बराबर थे, कभी ऊंच नीच थी नहीं, ये लोगों ने बना दी। ठीक है, जैसे आज के जमाने में आर्मी वाला है ना, आज के जमाने में डॉक्टर है, तुम्हारे को डॉक्टर लगता है, ऐसे जानते हो ना, डॉक्टर डॉक्टर सुहानी, नहीं तो ऐसे लिख देता हूँ एडमिरल सुहानी। एडमिरल का मतलब क्या है? थल सेना वाली सुहानी, थल सेना अध्यक्ष सुहानी है, जो नेवी वाले होते हैं सुहानी। ठीक है, तो ये एडमिरल लगा, ये क्यों लगा है? इसकी मम्मी ने पैदाइश ही लगा दिया था इसके साथ, इसने पेपर दिया है, इसने पोस्ट निकाली है, इसने गवर्नमेंट जॉब ली है ना, योग्यता ली है, उसके अनुसार लगा है ना। तो ये जो पहले ये जो ब्राह्मण होते थे ना, ये किस लिए होते थे? योग्यता के अनुसार। समझ आया? समझ आया? ये ऐसे होते थे। ये जो क्षत्रिय होते थे, जिस जो तलवार चलाना जानता था वो होता था क्षत्रिय, जो बिजनेस जानता था वो होता था शूद्र, जो लोगों की सेवा वाले काम में लगा था, मतलब कि जो सिस्टम को संभाल रहा था, जैसे आज के ज़माने में नेता, आज के ज़माने में UPSC वाले, आज के ज़माने में पुलिस वाले, आज के ज़माने में कौन से, ये समझ लो जो भी सिस्टम को चला रहे हैं, दिल्ली जल बोर्ड वाले, MCD वाले और बिजली वाले, ये सारे तो सिस्टम को चला रहे हैं ना, सेवा के क्षेत्र में है ना। ये क्या होते हैं? शूद्र। शूद्र को नीचा मत समझो, इसीलिए तो तुम्हें दिक्कत होती है। अब मैंने बोला शूद्र, एकदम से सोचने लग गया है नीची जाति की बात हो रही है, यही सोचते हैं ना लोग अब से। हाँ, यही तो बात है। एक छोटा सा बच्चा, उसको कुछ पता नहीं है, वो तीसरी क्लास में आता है, उसको दिखा देते हैं ये सर्टिफिकेट, तुम इस जाति के हो, लो। अब वो दूसरे वाले को बोलेगा तू नीची जाति का, मैं ऊंची जाति का, अभी से उसके अंदर भर दो लो। स्कूल में प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे सिस्टम में, ये हमारी जनता में प्रॉब्लम है। अगर हम लोग है ना, क्यों बनाया गया है पता है? हमारे लोगों को परवाह ही नहीं है, कुछ भी कर रही है सरकार, हम लोग अंधेरे में बैठे हुए हैं। अब तुम बोलोगे हम क्या कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हो? तुम खा सकते हो, तुम भर सकते हो, तुम ठूस सकते हो, तो जाके सड़क पर आंदोलन कर दो ना। सरकार कितना, सरकार एक दिन में नियम पलट देगी अगर सारे लोग सड़क पे आ गए एक दिन में। समझ आ रहा है? एक दिन में। बाहर के देशों में पता है, अभी फ्रांस की बात बताता हूँ मैं, तुम सोचना तुम लोग कैसे हो, हम लोग कैसे। फ्रांस में भी है ना एक नियम बना दिया था फ्रांस की सरकार ने, पता नहीं क्या नियम था, उसके कारण है ना थोड़ा ना मीडिया पे ना वो हो रहा था। मीडिया पे क्या हो रहा था? मीडिया पे ना बैन लग रहा था कि ये ना खबर नहीं चला सकती सारी तरीके की। अगर मीडिया सारी खबर नहीं चलाएगी तो जनता की खबर कब चलाएगी? तो पता है सड़क पे कौन आंदोलन करने आ गया? सोचो, बच्चे, स्कूल के बच्चे, इस कॉलेज के बच्चे, डॉक्टर्स जो सरकारी जॉब कर रहे थे वो। हमारे यहाँ तो बोले बाहर में जाए, हमारी तो सैलरी आ रही, हम क्यों जाए। बच्चे स्कूल के बच्चों को बोलते तो बोले हमें तो पता ही नहीं है, हम तो डाकाऊ लिखते हैं बस कॉपी में बैठ के, हमें तो। हाँ, तुम्हें बोल दूंगा तो तुम तो पहले डायलॉग ये बोलेगा, भैया हम तो स्कूल के हैं ना, हम तो सिलेबस ही नहीं हो रहा हमारा, हम क्यों आंदोलन करें। वहाँ पे सब आंदोलन पे आ गए एक ही दिन के अंदर। जो वहाँ की पार्लियामेंट है ना, जो संसद है वहाँ की, कहाँ की, फ्रांस की, उनने है ना कानून पलट दिया। पता लग गया जनता झापटे मारेगी आगे, संसद में घुस जाएगी, सरकार भी गिर जाएगी पूरी की पूरी। समझ आया? श्रीलंका में तो जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे ना, कोटाबाया राजपक्षे और राष्ट्रपति महिंद्रा भाई राजपक्षे, ये दोनों भाई थे, इन दोनों से संभली नहीं गई, तेल के दाम बढ़ गए, लोगों के पास खाने के लिए ना, ये दोनों छोड़ के भाग गए, श्रीलंका को छोड़ के भाग गए अपने देश को ही, और जनता क्या होगी, घुस गई राष्ट्रपति भवन में, प्रधानमंत्री भवन में। समझ आया? अभी मिलिट्री का शासन चल रहा है वहाँ पे श्रीलंका में। सुनो, ब्राह्मण क्या करते थे? अध्ययन करते थे, वेद की शिक्षा करते थे, यज्ञ करते थे, यज्ञ करवाना, दान लेना वह दान देना भी, पूरी लाइन पढ़ा करो, दान लेना वह दान देना भी। ठीक है, क्षत्रिय, सुनो, क्षत्रिय क्या करते थे?
क्षत्रिय युद्ध करते थे, सुरक्षा प्रदान करते थे, न्याय करते थे, वेद पढ़ते थे। अब देखो, वेद पढ़ते थे, वेद पढ़ने का मतलब क्या है? अब ब्राह्मण भी वेद पढ़ रहा है ना, तो मेरी बात एक चीज ध्यान से सुनना। देखो, अब यही दिक्कत है, हम लोग है ना किसी चीज को पढ़ना नहीं चाहते, ठीक है, और हम आपस में लड़ने लग जाते हैं। जैसे कि है ना, मनुस्मृति में भी ये लिखा है, क्या लिखा है, मैं किसी को नीचा ऊपर नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो बुरा मत मानना, ठीक, और जो माने मेरे को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ठीक है, ये चारों मेरी तरफ से इक्वल, ठीक, क्या भी ब्राह्मण, अच्छो यार, ठीक है ब्राह्मण, अब तुम बोलोगे सारा अलग लिखा है यार, मैं सारा एक कर देता हूँ, नहीं भाई, एक तरीके से मेरे को एक जगह से भी अपने अपवाद में नहीं लाना खुद को, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं, है ना, ये भी वेद पढ़ सकते हैं, किसी ने मना किया है, कहीं लिखा है, नहीं लिखा है ना, ये भी वेद पढ़ सकते हैं, ये भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी तुम जाके बात करोगे ना अपने घर परिवार में, किसी को कुछ नहीं पता, जो जाति व्यवस्था के साथ चलते हैं ना, अरे ब्राह्मणों ने हमारे साथ बुरा किया, या ब्राह्मणों के घर में चले जाओगे वो शूद्रों से नफरत कर रहे हैं, ठीक है, तो उनमें नफरत पता है कि उनको ये पता ही नहीं है कि ये सिस्टम था, उन्होंने अपनी महाभारत, उन्होंने रामचरित मानस भी नहीं पढ़ी ढंग से, नहीं तो उनको पता रहता कि राम जी ने सबरी के बेर खाए थे, सुना है कभी सबरी के बेर, है, जब तुम्हें पता हो तभी तो पता रहेगा, समझ आ रहा है, अब तुम्हें पता है तो तुम्हारे दिमाग में क्लिक कर गया, हाँ यार राम जी अगर भेदभाव को मानते इतने बड़े आदमी तो क्यों सबरी से बेर खाते, राम जी क्षत्रिय थे, है ना, राम जी क्यों खाते सबरी से बेर, तुम खुद सोचो, उन्होंने सबरी के वो भी झूठे बेर खाए, आज तुम बोल दो, जो बोलने हैं ना हम ऊंची जाति वाले या नीची जाति वाले जो बोल रहे वो भेदभाव कर रहे, तुम बोल देना मेरा झूठा खा ले, देखो नहीं आएंगे, बोलेंगे नहीं मैं नहीं खा रही या मैं नहीं खा रहा, है ना, वैसे नहीं खाओ झूठा मत खाओ यार, जबरदस्ती नहीं है, लेकिन सोचने की बात है ना, राम जी ने खा लिया यार, और तुम अभी लड़ रहे हो आपस में, तो भैया पहले भी क्या था ऐसे ना, मनुस्मृति में एक लाइन लिखी हुई है कि जो ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण ता शूद्र चा क्षत्रिय ता वैश्य, इसका मतलब पता है क्या, मेरे से लाइन में ना थोड़े शब्द आगे पीछे हो रहे हैं, लेकिन संस्कृत में लिखा है, मेरी तरफ देखो और ध्यान से सुनना, मनुस्मृति को जलाया पता है क्यों, उसको जलाने का कारण बताया कि इसमें ना जाति प्रथा को ना ऊंचे तौर पे बताया गया है, लेकिन मनुस्मृति में है ना पता नहीं कौन सा भाग है उसके अंदर ये भी लिख रखा है कि ब्राह्मण है ना चा क्षत्रिय चा शूद्र चा वैश्य चा शूद्रा, ठीक है, और शूद्रा चा क्या ब्राह्मण, इसका मतलब पता है क्या, ये एक है ना, एक चैन बनी हुई है, ये क्या है, चैन है, इसमें कोई भी कुछ भी बन सकता है, आज के टाइम में नहीं बन सकते हो क्या, बताओ, तुम्हें समझा रहा पता है मैं कह रहा हूँ, तुम्हें समझाएगा नहीं कोई, लेकिन मैं समझा रहा हूँ ये बात है, क्योंकि मेरे को समझाना का मन है कि तुम्हें पता रहे, ये जाके ना क्लास में डिस्कस करना और सर जी से पूछना, ठीक है, कि सर जी ये सिस्टम क्या है, देखना सर जी की सोच क्या है और सर जी को कितना पता है, ठीक है, या तुम्हारी मैडमों को भी, मेरी बात सुनो, अब देखो बात क्या है कि अभी जैसे लोग लड़ते हैं कि पहले ब्राह्मण ऊंचे थे और वो नीचे थे, तुम्हें पता है वो क्या बोलते हैं उसको, चंद्रगुप्त मौर्य, नाम सुना है, चंद्रगुप्त मौर्य बोला जाता है छोटी कास्ट थे, जिसको छोटी कास्ट बोलते हैं, लेकिन एक ब्राह्मण ने उसको राजा बनाया, अंबेडकर जी को जानते हो, अंबेडकर नाम कहाँ कैसे लगा उनका पता है, बताओ, कौन थे वो, ब्राह्मण थे ना, क्यों पढ़ाया उन्होंने, अगर भेदभाव ही करते तो, ये सारा पता है ढकोसला है, मैं ये नहीं बोल रहा सब लोग अच्छे थे, ये भी नहीं बोल रहा सब लोग गंदे थे, अंग्रेजों ने भी हमारी ऐसी की तैसी करी है, मुगलों ने भी करी है, और पहले लोगों ने भी करी है, हर जगह गंदे लोग होते हैं, हर जगह अच्छे लोग होते हैं, हमारे घर में हमारे कितनों के पापा ऐसे होंगे जो पढ़ाना भी नहीं चाहते होंगे, कितनों के पापा ऐसे होंगे जो बोलते होंगे 8 बजे ही हो, कितनों के पापा बोलते होंगे बेटा तू पढ़ मैं तेरे साथ हूँ, है ना, तो ये तो सबके यहाँ अच्छा बुरा होता है यार, इसमें समाज को थोड़ी गंदा कह दोगे तुम, जो ऐसा बोलता है ना वो खुद उसकी खुद की सोच छोटी होती है, समझ आ रहा है, तो जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय बन सकता है, हमारे यहाँ नहीं बन सकते, तुम टीचर हो तुम कुछ भी नहीं हो, तुम मान लो जैसे आज के जमाने में जैसे लोग बोलता है शूद्र छोटे होते थे, मान लो ठीक है, एक है बंदा कुछ भी नहीं है का मतलब वो कुछ भी नहीं है, पढ़ता भी नहीं है, लिखता भी नहीं है, नौकरी भी नहीं है उसके पास, समझ आया, उसको मान लिया शूद्र, मान लो चलो लो ठीक है, मैं मानने के लिए कह रहा हूँ, अब मैं देखो उसको बोलता उसने पढ़ाई कर ली लो ब्राह्मण बन गया, उसने आर्मी ज्वाइन कर ली लो शूद्र बन गया, ये क्या बोलते हैं ये बन गया, ठीक है समझ आ रहा है,
उसने क्या कर लिया, लो इससे भी हटा दे रहा हूँ मैं, इसमें ही बनाता हूँ डायरेक्ट। देखो उसने क्या करा, उसने आर्मी जा, उसने क्या करा, बिजनेस सीख लिया, वो बैंकिंग में आ गया, लो वैसे बन गया, है ना, वैसे बन गया, उसको बिजनेसमैन बन गया। आज के जमाने में वैसे कौन है, सबसे बड़ा वैसे बताओ कौन है, अंबानी। अब उसको उसको बोलो वैसे, है ना, सोचने में कितना अजीब लग रहा है ना, वैसे वो बंदा वैसे, लेकिन वो हकीकत में तो है ही वही, है ना, उसको थोड़ी फर्क पड़ेगा। तुम बोलोगे तो उसको बोले तू कुछ भी बोल ले, मैं तो बिजनेसमैन ही हूँ, अमीर हूँ, चाहे कुछ भी बोल। ये गरीबों का होता है धर्म कानून, समझ आया? कभी कभी है ना, देख लेना जितने बड़े लोग हैं ना, वो ये सब नहीं सोचते, मैं इस जाति का हूँ उस जाति का हूँ ना, तो बड़े लेवल पे ये सारी चीज़ें होती हैं, समझ आ रहा है? बड़े लेवल पे कुछ नहीं होता, ये गरीबी है, उसको सिखा दिया जाता है, रिक्शे वाला दूसरे से लड़ रहा है, नहीं तू नीची जाति का है, तू तभी तो नीचे रह जाते हैं लोग। नेताओं के बच्चे हैं ना, सारे इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं, बाहर के देशों में पढ़ रहे हैं। ये जो नेता बोल रहे हैं ना आज के जमाने पे, हिंदुत्व का नारा दे रहे हैं, राम मंदिर बनाएंगे, हिंदू बन जाओ, हिंदू जाग जाओ, ये मोदी, और ये मोदी को छोड़ो उसके तो बच्चे ही नहीं है, अमित शाह को जानते हो, उसके लड़के का नाम जैसा है, उसकी लड़की वो वुमेन्स एंड वो बाल विकास मंत्रालय में उसकी लड़की हेड है, उसकी लड़की को देखना, बाकायदा जींस टॉप और कट्टी पहन के घूमती है, उसको तो हिंदुत्व नहीं सिखा रहा उसका लड़का, उसका बाप। स्मृति रानी की लड़की, गोवा में उसका होटल था, उसके स्मृति रानी क्या हिंदुत्व का नारा लगाती है ना, एक नंबर की कमी नहीं औरत है, मैं तो मुँह पे बोल रहा हूँ। वो उसके होटल में दारू बिक रही है, उसके होटल में किचन क्या बोलते हैं उसको, चिकन बिक रहा है, बीफ बिक रहा है, बीफ जानते हो, गाय का मांस। सोचो वो पकड़े गए थे, उसकी लड़की पकड़ी गई थी, उम्र भी नहीं थी और लाइसेंस भी नहीं था, तब भी चला रही थी कैफे, वो चला रही थी बार चला रही थी उसके नाम पे, अपने नाम पे, हाँ। और तुम्हें तो पता भी नहीं लगेगा उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, और तुम्हें क्या सिखाया जा रहा है गरीबों को, अरे जाग जाओ हिंदू, जाग जाओ, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं, इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं, हम क्या करें, भीख मांगे? ये यही है हकीकत, इसीलिए तो भारत की जनता गरीब है। इसको बस दिखा दो, ये लो राम भगवान की फोटो, वो राम भगवान से सीखेंगे नहीं, राम भगवान ने क्या स्ट्रगल करा, बस यहाँ राम भगवान बस बैठ जाएंगे और रिक्शा ही खींचेंगे जिंदगी भर, इसीलिए पीछे हैं यार, यही तो बुद्धि नहीं चलाते, और तभी इसी ऐसे लड़ रहे हैं। आज के ज़माने में क्या कोई टीचर आर्मी में नहीं जा सकता, कोई टीचर शूद्र वाला काम नहीं कर सकता, मान लो शूद्र को तुम नीचा मान लो, कोई टीचर बेहुदा नहीं बन सकता, अभी मैं ही हूँ, किसी का मर्डर कर दूँ जेल में चला जाऊँगा, मेरे को कोई टीचर कहेगा, हो गया मैं नीचे? ये शूद्र उद्र छोड़ो, तुम बोलो नीचे ऊँचे का, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। अभी मैंने आर्मी की क्वालिफाई कर ली, कोई मान लो थल सेना में मैं चला गया तो मैं क्षत्रिय नहीं कहलाऊंगा, देश के लिए लड़ाई कर रहा हूँ, है ना, मैं डॉक्टर बन जाऊँ, मैं ये नहीं सेवा में नहीं चला जाऊँगा, और मैं किसी का मर्डर कर दूँ, किसी का पैसा चोरी कर लूँ, मैं नीचा कहलाऊंगा, ये नीचा है, तुम बात करना चाहोगे किसी से? मेरी बात सुनो, कभी भी है ना कोई जाति नीची या ऊँची नहीं थी, ये चीज़ है ना बड़ी बारीक है, समझने की कोशिश करो तब तुम लोगों को भी समझा पाओगे ये बात। नीचा कौन होता था जो नीचे वाले काम करता था? अभी मैं टीचर कहला रहा हूँ, मैं चोरी कर लूँ, किसी की लड़की भगा लूँ, तो समाज मेरे को क्या कहेगा? नीचा। तो मैं नीचा हो गया ना, नीचा हो गया, मैं जाति की वजह से हुआ अपनी नहीं ना। और मैं यहीं पर मैं किसी मरते हुए को बचा लूँ, एक किडनी दान दे दूँ अपनी, अरे शुभम, अरे दीपक पंडित, हमारा नेता कैसा हो, दीपक पंडित जैसा हो, है ना, नारे लगेंगे, समझ आ रहा है? तो ऊंच नीच इन चीज़ों से थी, समझ आ रहा है? ये किताब खाली है ना, चाटनी नहीं है, इसको तुम चाटते रहते हो और पेपर के टाइम पे उल्टी कर देते हो और पूछो तुम्हें कुछ पता नहीं रहता, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो पता नहीं क्या, एनसीईआरटी तुम पढ़ते नहीं हो लेकिन मुझे पता है, अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हो ना तब भी तुम्हारी थोड़ी बुद्धि खुल जाती, लेके तो बैठी है पता नहीं कितना पढ़ती होगी, देख ऐसा लगता है नशे में, हकीकत में तो कब उठेगी ये बता, तो दिन में भी वो सो ही रही थी, थोड़ा एक्टिव रहकर चाय पी ले। सुनो, पितृवंशिता का अर्थ है उस परंपरा से है जो पिता के बाद पुत्र, फिर पौत्र, फिर परपौत्र आदि पे चलती रहती है, महाभारत की मुख्य कथा। पानी चाहिए पहले, पानी यार, पानी कहाँ से लाऊं मैं, अभी रुक जाओ ये खत्म करने दो, सुनो छोड़ दो पानी छोड़ दो, सुनो, अरे मैं भी तो बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तुम्हें प्यास लग रही है, मैं लगातार बोल रहा हूँ यार, 4 बजे से बोल रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा था मैं, मेरा गला नहीं सूख रहा है, इसका मतलब ये नहीं पी लिया आपने। क्या तू भी पी ले चाय, पता लग जाएगा चाय पीने के बाद क्या होता है। सुनो देखो, महाभारत की मूल कथा क्या दिखाती है आपको, कि पहले के जमाने में जो कुरीति थी या जो पैटर्न था उसको क्या बोलेंगे, पृतवंशिता।
देखो यार, एक चीज है ना समझने की ये जरूरत है, लोग है ना, ये मेरी सोच है, तुम्हारी कुछ भी हो सकती है। जैसा मैंने बोला, पिता पिता की प्रॉपर्टी पुत्र के पास, पुत्र की प्रॉपर्टी परपोत्र के पास, यही है ना, परपोत्र ऐसे जो भी हो, ठीक है। अब इसके इसके भी लड़के के पास, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हर समय पे ना हर तरह के नियम होते हैं। जब हम लोग गुलाम थे तो हमें पता था कि लाडली योजना भी कभी बनेगी, है, या तुम जैसी लड़की आके यहाँ पे 11th क्लास या 12th क्लास में CBSE से पढ़ाई कर रही होंगी, या कभी डॉक्टर या इंजीनियर बनेंगी, या UPSC से IPS बनेगा कोई, पता था। जिस समय में जो होता है उस समय में उसके हिसाब से नियम बनता है ना। जब मोबाइल फ़ोन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो कभी इंटरनेट के नियम बने होंगे? नहीं। 1985 में कंप्यूटर आया राजीव गांधी के टाइम पे, तो उसे बोलते हैं संचार की क्रांति, समझ आ रहा है? तो आईटी के नियम बने, संसद ने क्या बनाया, आईटी के नियम, इंटरनेट के नियम बनाए गए। किसके समय पे? राजीव गांधी के समय पे, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे तो नहीं बनाए होंगे ना। अब जवाहरलाल नेहरू के टाइम वाले गाली दे और तब तुमने नियम नहीं बनाए, जवाहरलाल नेहरू नियम नहीं बनाना चाहते थे, ये तो मूर्खता वाली बात हुई ना। अरे जब इंटरनेट था ही नहीं तो नियम कैसे बना ले, तुम खुद सोचो। अभी कोई ऐसी चीज नहीं बनी है जिससे तुम्हें नुकसान है, ठीक है, तो उसके नियम कैसे बन जाएंगे यार, तुम खुद सोचो, नहीं बन सकते ना। हाँ, उसकी वैक्सीन, ये सोचने की बात है ना। अभी एक चीज देखो, ध्यान देने की बात है, अभी तुम्हारा दिमाग अभी है ना खुलेगा थोड़ा सा। अब जैसे ये देखे कोई, तो लड़कियां क्या बोलेगी, अरे बेईमानी होती थी, अरे देखो कैसे लोग थे, कितने गंदे थे, पिता को सब कुछ मिलता था, लड़कों को, लड़की को इज्जत नहीं थी। अरे तुम आज का जमाना देख रहे हो, उस जमाने में लड़कियों को रानी बोला जाता था, उनको अलग तरीके की इज्जत दी जाती थी, समझ आ रहा है? उनको प्रॉपर्टी का लालच ही नहीं होता था, उनको प्रॉपर्टी चाहिए ही नहीं होती थी, समझ आ रहा है? तो उस समय पे ये नियम थे भाई, समझ आ रहा है? तो उस समय पे सारी लड़कियां रोती नहीं होंगी कि उनके भाई को प्रॉपर्टी मिल गई। तुम सोच सकते हो ये बात? सोचो तो तुम्हें अच्छी लगेगी ये बात, अगर तुम सोचोगे। हाँ यार, उस समय पे लड़कियां चाहती नहीं होंगी तो मिलेगी क्यों उन्हें? इस समय पे चीजें अलग हैं, इस समय पे अधिकार अलग है भाई। तुम है ना भिखमंगे हो तुम लोग, मैं बता रहा हूँ, मैं भी भिखमंगा हूँ, तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ, हमारे पास नहीं है तो हमें चाहिए ना। जिनकी जो खुद रहा नहीं है, जो खुद राजा के घर में पैदा हुई, उन्हें क्या करना है भाई? आज के जमाने में जिनका पति IAS ऑफिसर है वो कुछ चाहती है काम करना? नहीं चाहती। क्यों? अब मैं बोल रहा हूँ क्यों नहीं चाहती है काम करना, बता। सब कुछ है यार, सीधी सी बात है यार, वो बंदा मेहनत नहीं करता जिसके पास सब कुछ होती है। हो, ये नहीं बोला 100 में से, यार अब तुम मेरे से लड़ने लग जाओ, 100 में से 80 ऐसे होंगे जो बोल रहे होंगे यार मेरे को क्या मतलब, मैं राजा के घर में पैदा हुई हूँ और राजा के घर में ही मेरी शादी होगी, मेरा पति भी राजा, मेरा पति राजा नहीं होगा तो जिस घर में जाऊंगी वहां पे भी करोड़ों अरबों की संपत्ति होगी, मेरे को ना काम करना होगा ना कुछ करना होगा, तो मेरे को प्रॉब्लम होगी नहीं? सुनो, अरे मेरी तरफ देखो, तो क्या इन लड़कियों इनको प्रॉब्लम होगी, इन 80% को जो ये सोच रही है? लेकिन इसमें से 20 ऐसी भी हो सकती हैं जो बोलेंगे नहीं, I am सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमेन, I want to be IPS officer, मैं राजा बनूंगी, मेरा भाई किसी लायक नहीं है। हो सकता है जिसका भाई राजा लायक ना हो, वही लड़की निकल जाएगी रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान, सुना है? रजिया सुल्तान दिल्ली की पहली महिला शासक, या इंडिया की बोल दो एक तरह से, पहली महिला शासक बनी थी रजिया सुल्तान, इतना बड़ा चोगा पहन के आती थी। चोगा जानते हो? बुरखा नहीं है, बुरखा पहनेगी वो, खूबसूरत औरत। रजिया सुल्तान की कहानी सुनाऊंगा ना तो बताऊंगा, दो जगह आस की करी थी उसने, पता है मुझे। हाँ, एक बहुत बहुत गलत करा था, लेकिन उसके पुराने आशिक ने उसके नए आशिक को मार दिया था। वो घोड़े की लीद साफ करता था जिससे दूसरी बार प्यार हुआ था उसको, घोड़े की टट्टी नहीं, वो अस्तबल में काम करता था, वो उससे प्यार हो गया था उसको। प्यार है ना, किसी से भी हो सकता है यार, प्यार की क्वालिटी है, मैं बेइज्जती नहीं कर रहा, लेकिन तू रानी है यार, तू कचे, तू बदतमीज है, तू तेरे को तेरा देश देख रहा है, तू क्या काम कर रही है यार? तेरे राज्य में पता है कि तेरी सेटिंग किसके साथ चल रही है, किसके साथ? इल्तुतमिश के साथ चल रही है ना, इल्तुतमिश के साथ नहीं, हाँ इल्तुतमिश के साथ ही चल रही थी सर, अल्तुनिया था दूसरा और कौन था यार, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, छोड़ो। सुनो, तेरी सेटिंग किसी के साथ चल रही है तो तू रानी है यार, सबको पता है, और तू जाके फिर एक गोबर फेंकने वाले से आज के करने लग गई, और दूसरे वाले को तू बताए भी नहीं रही है,
तो बंदा नफरत में नहीं हो जाएगा। दिस इज एब्सोल्यूट, मैं ताली दे रहा हूँ तेरे को दूर से, ठीक है। प्यार अंधा होता है, दिल आया गधे पे, दिल आया गधे पे, तो परी क्या चीज़, परा क्या चीज़, डैश डैश डैश, ठीक है। तो यही तो, हाँ, मेरे रंग में रंगने वाली परी हो, गिव रिस्पेक्ट, सो टेक रिस्पेक्ट, ठीक है। प्यार की इज्जत करनी चाहिए, देखो। नमस्ते भाई, बाय। सुनो, देखो, नगर नगर नए नगर के उद्भव से सामाजिक जीवन अधिक जटिल हुआ। इस चुनौती का जवाब ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिता तैयार करके दिया, जैसे धर्मशास्त्र और मनुस्मृति थे, ठीक है। आप देखो इसमें लाइन क्या लिखी है, क्या हुआ, जब जैसे जैसे नगर बढ़ते गए, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, जैसे जैसे लोग बढ़ते गए, तो कुरीतियाँ भी आएंगी यार। लोग बढ़ेंगे, 50 तरह के लोग होंगे तो 50 तरह के दिमाग आएंगे, तो 50 तरह के देर छाने लोग पैदा होंगे। कुछ लोग अपना फायदा सोचेंगे, कुछ लोग जनता का सोचेंगे, कुछ लोग सबका नुकसान ही सोचेंगे, बोले सब मर जाएं, है ना। तो ऐसे ऐसे लोग भी आए, तो क्या हुआ, समाज में जो नियम कानून है ना, उनको बनाने के लिए क्या हुआ, ब्राह्मणों ने क्या लिखे और ऋषियों ने, ब्राह्मण सब ब्राह्मणों ने भी नहीं लिखे, ऋषियों ने क्या लिखे, कुछ धर्मशास्त्र लिखे और मनुस्मृति लिखी। क्या लिखे, धर्मशास्त्र, धर्म सूत्र, धर्मशास्त्र और धर्म सूत्र क्या थे, धर्म के कानून थे, जो क्या बताते थे, ऐसे काम करने, ऐसे शादी होनी चाहिए, ऐसे लोग रहेंगे, इस तरह के विवाह होंगे, लोग ऐसे काम नहीं करेंगे, लोग ये काम करेंगे, समझ आए। जैसे आज संविधान है ना, संविधान क्यों बनाया गया है, देश को चलाने के लिए। अच्छा मेरे को बताओ, सबसे जरूरी चीज संविधान बढ़ा है या जनता बढ़ी है, जनता। संविधान केवल क्या है, जो समझदार इंसान है ना उसके लिए, जो गधा है जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है उसके लिए संविधान क्या है, संविधान जो बोलेगा वो हम करेंगे, लेकिन जो समझदार है ना उसके लिए संविधान क्या है, मेरी आवश्यकता के अनुसार, मतलब मैंने अपने समाज के अनुसार एक नियम कानून बनाया जिसको सारे लोग मानेंगे, समझ आया। उसको मैंने एक नियम कानून की बुक बना दिया कि सब ये मानेंगे, सबको नहीं पसंद होगा तो दूसरा बना लेंगे, वो उसको क्या संविधान बोला गया। और पहले जो धर्म होते थे ना वही संविधान होता था, जैसे महाभारत के टाइम पे बोलते नहीं है धर्म का ही शासन है, वो धर्म ही संविधान होता था। धर्म का मतलब धर्म नहीं है कि हमें रामायण पढ़नी है, धर्म का मतलब क्या होता था, संविधान। उस समय धर्म को संविधान कहते थे, समझ आ रहा है, इसके अनुसार ये होगा उसके अनुसार वो होगा। मनुस्मृति बुक है यार एक, उसको जला दिया गया है, लेकिन उसकी कॉपियां भी हैं, फोटोकॉपी हैं, एक जला दोगे बाकी तो बचेगी ना यार। तुम बुक जला सकते हो, इतिहास थोड़ी जला सकते हो, लोगों की सोच छोटी है यार। सुनो क्या हुआ, आवाज आ गई है, सुनो। तो ये जो नियम कानून बनाए गए थे ना, जैसे धर्म सूत्र, धर्म शास्त्र और मनुस्मृति, इन सब ने क्या करा, समाज के लिए नियम कानून बनाए। कुछ अच्छे भी थे और कुछ बुरे भी थे, हर समाज में अच्छे लोग होते हैं बुरे, तो कानून भी तो अच्छे बुरे बनेंगे, समझ आ रहा है। एक लास्ट की लाइन फिर भाई, ब्राह्मणीय पद्धति में लोगों को गोत्रों में विभक्त किया गया है, मैंने बताया था पहले भी, जो ब्राह्मणीय पद्धति है उसके अंदर लोगों को क्या किया गया है, गोत्रों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पे होता था, ठीक है, वैदिक ऋषि, एक ऋषि के नाम पे गोत्र होता था, मतलब हर गोत्र का एक ऋषि होता है, जिस ऋषि के अंदर वो पूर्वज वो है ना बच्चे, वो समझ आ रहा है, हर ऋषि का एक गोत्र होता था, उस गोत्र से लोग निकले, उन लोगों का वो गोत्र था, उन ऋषि को पूर्वज मानते वो हमने, समझ आया। ओ अच्छा ठीक, समझ आ गया। जेजानिया भी गोत्र है क्या, जेजानिया, पता नहीं मेरे को, मेरे को इतना नहीं पता, मेरे को अपने पता है और कुछ पता है, वो सबका नहीं पता ना। आपको क्या है सा? मेरा है, मेरे को याद हो गया, मेरा नहीं, मेरा गोत्र अलग होता है और